आओ राम भैया, आओ, कहो कैसी कट रही है। क्या बताएं मुखिया जी, बड़ी दिक्कत है। पानी गिर नहीं रहा है, फसल हो नहीं रही है। लुगाई मायके में है, रोज पूछती है लेने कब आओगे। समझ में नहीं आता है उसे कैसे लाएं। अरे राम भैया, आपको लुगाई की पड़ी है और यहाँ सबके सबके कुएं में पानी खत्म हो गया है और फसलें पानी के बिना कैसे जिंदा रहेगी भगवान जाने। अरे हम सब अपनी किस्मत को रो रहे हैं और वो मुकेश चांदी काट रहा है, चांदी। अच्छा हाँ ताऊ, क्या देखी नहीं उसकी फसल। हम भी तो वही खाद वही पानी डालते हैं, मगर उसकी फसल ने तो सारे गांव की खेती को पीछे छोड़ दिया है। हमें तो लगता है कोई जादू किया उसने अपने खेतों पर। दादा जादू तो किया है हमने। जादू? कैसा जादू? माइक्रो इरिगेशन का जादू। माइक्रो इरिगेशन? अरे मुखिया जी, आप भी इसे जानते हैं? हम सब इसे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के नाम से जानते हैं। अरे ये आप सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से इतनी पैदावार कैसे? वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनाई है कास्ता की सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जो है सबसे बेहतर। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, भला हम तुम्हारी बात क्यों माने। मेरी नहीं, कास्ता एक्सपर्ट की बात तो मानोगे। मैं अभी कास्ता एक्सपर्ट को बुलाता हूँ। आइए साहब, आप ही समझाइए इन लोगों को कि कैसे मैंने कास्ता सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर फायदा पाया। आइए साहब। आइए आइए मुखिया जी। देखो किसान भाइयों, माइक्रो इरिगेशन या कास्ता सूक्ष्म सिंचाई पद्धति सिंचाई की वो पद्धति है जिसमें पानी पाइप, ट्यूब, वॉल्व और ड्रिप से होते हुए बूंद बूंद होकर फसल तक पहुंचता है। इसमें दो प्रकार की सिंचाई होती है, पहली ऑनलाइन और दूसरी इनलाइन। और साथ ही इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है जिससे पानी की बचत होती है और फसलों को उनकी जरूरत के मुताबिक पूरा पूरा पानी मिलता है। जरूरत का पानी क्या, पानी तो जितना डालेंगे उतनी ही पैदावार होगी। आप लोगों का यही सोचना तो गलत सोचना है। आप लोग सोचते हैं कि खेतों में जितना ज्यादा पानी डालेंगे फसल उतनी ज्यादा अच्छी होगी। गलत। याद रखिए, हमें फसलों को पानी देना है, खेतों को नहीं। अगर पानी इसी तरह बर्बाद करते रहे तो याद रखिए हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी देखने तक को नहीं मिलेगा। कास्ता सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पानी की इसी बर्बादी को रोकती है और फसल को फायदा पहुंचाती है। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो भाइयों, हमारी ज्यादातर फसलों की जड़ 12 से 18 इंच लंबी होती है, पर हम क्या करते हैं, पूरे खेत में पानी भर देते हैं जिससे जल जैसे अमूल्य संसाधन और फसल दोनों को नुकसान होता है। जब सूरज की गर्मी से वाष्पीकरण होता है तब जमीन के अंदर का नमक या क्षार जमीन की सतह पर आ जाता है और इससे हमारी जमीन की उर्वरता कम होती है, हमारी पैदावार कम हो जाती है और जमीन बंजर बन जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कास्ता ने ऑनलाइन और इनलाइन की उन्नत सिंचाई की तकनीक विकसित की है। जरा विस्तार से बताइए ना साहब। हाँ बिल्कुल। कास्ता ऑनलाइन सिंचाई में 12 से 32 एमएम के पाइप के ऊपर फसल के हिसाब से ड्रिपर लगाते हैं। इस प्रणाली का ज्यादातर उपयोग एक निश्चित दूरी वाली फसलों की सिंचाई के लिए होता है, जैसे आम, अमरूद, अंगूर, चीकू, संतरे, नारियल, पपीता। इस तरह की फसलों में यह बहुत उपयोगी होता है। लेकिन कास्ता इनलाइन सिस्टम में निर्माण के दौरान ही पाइप में निश्चित दूरी पर ड्रिपर फिट कर दिए जाते हैं। इनका ज्यादातर उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में होता है, जैसे सब्जियां, कपास, गन्ने, प्याज, टमाटर, केला, शहतूत, फूल, मिर्ची, चना, मक्का, इस तरह की फसलें। इसके अलावा ओवरहेड स्प्रिंकलर प्रणाली में
63 से 110 mm के HDPE पाइप का इस्तेमाल होता है। इसमें जरूरत के मुताबिक स्प्रिंकलर को लगा दिया जाता है। ये सोयाबीन, गन्ना, गेहूं, तिलहन, दलहन और पत्तेदार सब्जियां, इस तरह की फसलों में इसका उपयोग होता है। माइक्रो स्प्रिंकलर में 16 से 32 mm के पाइप का इस्तेमाल होता है। ये नर्सरी के पेड़ों के लिए उपयोगी होता है। और यदि दलहन, तिलहन और पत्तेदार सब्जियां बड़े एरिया में हो तो उसके लिए रेनगन का उपयोग प्रभावी रहता है। माइक्रो इरिगेशन पाइप के लिए कास्ता पाइप है सबसे भरोसेमंद, क्योंकि कास्ता निर्मित है खास सैंडगार्ड और फोर होल तकनीक से। साहब, ये सैंडगार्ड और फोर होल तकनीक क्या होती है? देखो, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में पानी के साथ साथ कभी कभी बालू और मिट्टी के कण आ सकते हैं, जो पानी के साथ पाइप के अंदर चले जाते हैं और इनके जमाव से ड्रिपर चोक हो सकता है, जिससे पानी सही तरीके से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन कास्ता सैंडगार्ड में पानी मध्य भाग से अंदर आता है। पाइप के बीच से बहने वाला यह पानी पूरी तरह शुद्ध होता है। कास्ता की सैंडगार्ड तकनीक मिट्टी और बालू दोनों को ड्रिपर में आने से रोकती है, जिससे ड्रिपर चोक नहीं होते और कास्ता सिस्टम सालों साल तक चलता रहता है। समझ गए? और बात करें फोर होल तकनीक की, तो पंप बंद होने की दशा में इनलाइन लेटरल्स में कम दबाव की स्थिति बन जाती है, जिस कारण बाहरी हवा का खिंचाव अंदर की ओर हो जाता है, जिससे बाहरी कण पाइप के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन कास्ता माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें होती है फोर होल तकनीक, जिसमें चारों छेद विरोधी दिशाओं में 180 डिग्री पर होते हैं, ताकि जब प्रेशर से जब हवा का खिंचाव हो तो सिर्फ हवा अंदर जाए, नीचे की बालू और मिट्टी नहीं। समझ गए? चले। अरे सिंचाई तो तभी करेंगे ना जब बिजली रहेगी। यहाँ तो बिजली कुछ ही घंटों के लिए रहती है। ऐसी स्थिति में कास्ता सूक्ष्म सिंचाई जरूर अपनानी चाहिए, क्योंकि सामान्य सिंचाई में जितने समय और पानी में आप एक एकड़ तक पानी पहुंचा सकते हैं, कास्ता सूक्ष्म सिंचाई में उतने ही समय और पानी में 3 एकड़ तक पानी पहुंचा सकते हैं। तभी मैं सोचूं, 3-3, 4-4 घंटे पंप चलाने के बाद भी पानी पूरे फसल में क्यों नहीं जाता? बिल्कुल, कास्ता सूक्ष्म सिंचाई से पानी सीधे पेड़ों की जड़ तक और तेजी से पहुंचता है। इससे पानी और बिजली दोनों की बचत होती है। बूंद बूंद सिंचाई से पेड़ों की जड़ों में पर्याप्त ऑक्सीकरण होता है, जिससे पौधों की बढ़त बहुत तेजी से होती है, खाद की बचत होती है और खेतों में खरपतवार भी नहीं फैलती। पर साहब, इसमें खर्चा तो बहुत ज्यादा आता होगा। देखो, इसमें आपको बस थोड़ी सी लागत लगानी पड़ती है, फिर फायदा ही फायदा है। वैसे मैं आपको बतला दूं कि कास्ता सूक्ष्म सिंचाई लगाने के लिए राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी सहायता करते हैं और किसानों को सब्सिडी प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि किसानों की प्रगति में ही राज्य की प्रगति है। समझ गए? देखो, यदि आप कम बजट में कास्ता सूक्ष्म सिंचाई अपनाना चाहते हैं तो यह भी संभव है, क्योंकि कास्ता सबकी जरूरतों को समझता है। और यदि इसके बाद भी आपको आर्थिक समस्या आ रही है तो कास्ता ने किसानों की सहायता के लिए बैंकों के साथ अनुबंध किया है, ताकि सभी किसान बिना किसी परेशानी के कास्ता का फायदा उठा सके। अरे आप तो लगा के चले जाएंगे, लेकिन फिर कोई गड़बड़ी आ गई तो हम आपको कहाँ ढूंढते फिरेंगे? अरे पहली बात तो ये कि आपको कास्ता में कोई समस्या आएगी ही नहीं, और मान लो कि समस्या आ गई तो आपको बस एक फोन कॉल करना है और बस कास्ता के इंजीनियर आकर जल्दी से जल्दी आपकी समस्या दूर कर देंगे। ये सब तो ठीक है साहब, लेकिन हम तो अपने खेतों में गेहूं और सोयाबीन की फसलें लगाते हैं, तो क्या इसमें भी कास्ता लगवा सकते हैं? अरे बिल्कुल, बल्कि कई जगह तो लोग इन फसलों पर सफलतापूर्वक कास्ता सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। सच में कास्ता सूक्ष्म सिंचाई में तो जादू है। कास्ता सूक्ष्म सिंचाई अपना कर तो हम कम पानी में भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साहब, क्या हम भी अपने खेतों में कास्ता सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगवा सकते हैं? बिल्कुल, आज ही लगवा सकते हैं।
तब तो हम अभी इसके लिए काम शुरू कर देंगे। लेकिन साहब, हमें इसे लगाना नहीं आता, इसे खेतों में लगाएंगे कैसे? इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है ये हम आपको खेत में बताएंगे। माइक्रो इरिगेशन में कास्ता के इंजीनियर्स आकर आपके खेतों का सर्वे करते हैं और जमीन, फसल, पानी, बिजली आदि के आधार पर उचित डिजाइन तैयार करते हैं और उसे इंस्टॉल भी करते हैं। आइए अब आपके खेतों में इसे लगाते हुए सबको दिखाते हैं। माइक्रो इरिगेशन अपनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जैसे सही पंप और फिल्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल। सुझाए गए पंप के अलावा किसी दूसरे पंप का उपयोग ना करें और सिस्टम का उपयोग बगैर फिल्टर के बिल्कुल ना करें। समझ गए? इसमें एग्रोनॉमिस्ट से सही फर्टिगेशन प्रोग्राम होना चाहिए। सिस्टम का डिजाइन प्रशिक्षित इंजीनियर द्वारा होना चाहिए। ये डिजाइन के अनुरूप ही लगा हो। कंपनी के जानकारों से ही एसिड ट्रीटमेंट करवाएं। बूंद बूंद से खुशहाली पाओ। कास्ता सूक्ष्म सिंचाई अपनाओ। दूजे कास्ता बिछा दे, आओ खुशियां खिला दे। कभी बुलबुलों के जंगल से, शैतानियों के दंगल से, कुछ मीठे मीठे पल बटोरे, नन्ने नन्ने दिन भिगोए। चलो जिंदगी संवारे, आओ खुशियां खिला दे। एक छोर से दूजे कास्ता बिछा दे, आओ खुशियां खिला दे। एक छोर से दूजे कास्ता बिछा दे, आओ खुशियां खिला दे।